ढंसी क्लैपिंग कर दो। ये बिट्टू को तो पसंद है। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल अगस्त्य व्लॉग्स। तो आई होप आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोणार्क में हम गए थे, सब बच्चे से हमने देखा, काफ़ी नॉलेज हमें मिली जो चीज़ हमें नहीं पता थी। तो आज हम पूरी से चेकआउट कर रहे हैं होटल से और हम जा रहे हैं डायरेक्टली भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के रास्ते में जो भी आएंगे मंदिर वो हम सारे विजिट करेंगे और चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम पुरी से निकल के सबसे पहला स्टॉप पे जाए हैं, यहाँ पे धौलीगिरी है एक प्लेस का नाम, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का स्टैचू है, वहाँ पे चलते हैं अभी। और ये जो प्लेस है ना थोड़ी हिल्स पे बनी हुई है, तो यहाँ से हमें स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ी सी है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है। साइड में मार्केट्स वगैरह भी हैं, बट यहाँ पे जो भी मिलता है वही सब जगह से ही सामान मिल रहा है। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं अंदर, थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के, वो तो देखो सामने है बिल्कुल गौतम बुद्ध जी का स्टैचू। ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं इसके पीछे भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। हमने यहाँ पे जब हिस्ट्री रीड की तो हमें पता चला कि इसका क्या रोल है। तो अशोका की जब वॉर हो रही थी कलिंगा की, तो उस टाइम यहाँ पे जो नदी का रंग है बिल्कुल लाल हो गया था खून से, और तो जब अशोका यहाँ पे आया था उसका बिल्कुल ही दिल चेंज हो गया था और उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करके उसने नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो कर लिया था। अभी हम पहुंच चुके हैं लिंगराज मंदिर में, जहाँ पे 108 शिवलिंग हैं। अंदर तो फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, हमें बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा। तो आप लोग बाहर से मंदिर की ध्वजा के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से है मंदिर की एंट्री और साइड में हम यहाँ पे शूज़ वगैरह सबमिट करवाना पड़ेगा, फ़ोन वगैरह सबमिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है कुछ भी। तो यहाँ से अंदर चलेंगे फिर दर्शन करके आते हैं। हम लिंगराज मंदिर से यहाँ आए हैं केदार गौरी टेम्पल, जो कि 12th सेंचुरी का टेम्पल है यहाँ पे। अभी यहाँ पे शूज़ वगैरह हम करवाते हैं सबमिट, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं, शायद यहाँ तो फ़ोन अलाउड होगा ही अंदर। मंदिर के बाहर यहाँ मार्केट है जहाँ से प्रसाद वगैरह हम ले सकते हैं। यहाँ से मंदिर का एंट्री है और केदारनाथ और गौरी माता मंदिर के बिल्कुल साइड में ही है मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर, जो उससे भी पुराना है। वो 12th सेंचुरी का था, ये 9th सेंचुरी का है। और यहाँ पे भी ये मंदिर की चोटी ध्वजा, और यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो पॉज करके यहाँ रीड कर सकते हैं। उड़िया में भी लिखा हुआ है यहाँ सारा कुछ, और इंग्लिश में भी सब लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं केव्स में, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स देखने के लिए। उससे पहले हमें यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी, एंट्री टिकट है। कितनी? तो अभी हमने एंटर कर लिया है, यहाँ से टिकट चेक वगैरह हो चुकी है, अभी चलते हैं अंदर। बट यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यार, यहाँ पे देखना स्टीप है बिल्कुल, आगे के साथ हम कैसे जाएंगे। ये जो सामने ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट टाइप्स दिख रहे हैं, इनको जैन केव्स भी कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे आके जैन थे, उन्होंने स्टे किया था, इसलिए उनके ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको जैन केव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उदयगिरी और खंडगिरी केव्स की पूरी चीज़ें हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे सब कुछ।
और अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है श्री 1008 दिगंबर जैन खंडगिरी उदयगिरी मंदिर। काफ़ी दूर था वहाँ से, काफ़ी स्टेयर्स थी और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप थी, तो इसीलिए हम वहाँ तक तो जा नहीं पाए क्योंकि एगी के साथ जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने दूर से ही देख लिया था। फिर अभी केव्स देखने के बाद हम यहाँ गए, लंच टाइम हो गया तो भूख भी बहुत लगी है। तो यहाँ उड़ीसा टूरिज्म का काफ़ी अच्छा होटल है एक निमंत्रण, तो वहाँ चलते हैं, अभी लंच करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। मतलब रिव्यूज तो अच्छे हैं इसके, बट ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ का मेन्यू ऐसा है, कुछ रेट्स तो ठीक है ना। I don't know.